हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 31 जुलाई 2019 और यह हमारी 205वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। मध्य प्रदेश के किस जिले को डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है छतरपुर जिले को। हाल ही में छतरपुर जिले को मध्य प्रदेश के डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों के विकास के लिए विभिन्न सांकेतिक के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले को अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है और इसी क्रम में दोस्तों छतरपुर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके कारण इसे 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। दोस्तों आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने हाल ही में पत्र जारी कर यह है कलेक्टर को भेजा है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यह जो क्षेत्र था वह था शिक्षा के क्षेत्र में। अब दोस्तों बात आई है छतरपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट छतरपुर के बारे में बता दें। दोस्तों आपको बता दें छतरपुर में खजुराहो स्थित है, जिसे विश्व यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों 15वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल ने स्वतंत्र राज्य के रूप में छतरपुर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों छतरपुर में खजुराहो स्थित है, जिसे चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था और इसे 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। दोस्तों यहाँ के कुछ मंदिर जो प्रसिद्ध है उनके नाम भी आपको बता दें, को कन्हैया देव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ, चंद्रगुप्त लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ और चतुर्भुज मंदिर, ये सभी वहां के प्रमुख मंदिर हैं। दोस्तों आपको बता दें खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह जो छतरपुर जिले में ही होता है, इसका आयोजन 1976 से शुरू किया गया था। और दोस्तों ये खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह है भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। केन वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर स्थित है। केन और उर्मिल प्रमुख परियोजनाएं हैं छतरपुर जिले में। धुबेला जहां पर पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है, यह भी छतरपुर जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना आपको छतरपुर के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में मोगली पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मांडू। मांडू में मोगली पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों इससे पहले मांडू में लाइट एंड साउंड शो बनाया गया था और उसके पहले जंगल पार्क की भी स्थापना की गई थी। दोस्तों अब इसके बाद वन विभाग ने 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 34 लाख की लागत से मोगली पार्क बनाया जाएगा। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक अलग से चिल्ड्रंस कॉर्नर की स्थापना की जाएगी। मोगली पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रेल पटरी और उस पर चलने वाली ट्रेन होगी, तो आपको इतना याद रखना है मध्य प्रदेश में मोगली पार्क मांडू में बनाया जाएगा और मांडू में इससे पहले जंगल पार्क और लाइट एंड साउंड शो भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जीवाजी यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रेणु जैन। हाल ही में रेणु जैन जीवाजीराव यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। दोस्तों आपको बता दें जीवाजीराव यूनिवर्सिटी यह है ग्वालियर में स्थित है, तो इतना इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां बुंदेली वैभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सागर। हाल ही में सागर जिले में बुंदेली वैभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस अवसर पर बुंदेली संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए किया गया है, इस पर बुंदेली मेला का आयोजन किया जाएगा, साथ ही संगीत नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा बुंदेली संगीत, बुंदेली लोकगीत, बुंदेली लोक नृत्य आदि का भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो आपको इतना याद रखना है बुंदेली वैभव कार्यक्रम हाल ही में सागर में आयोजित किया गया है।
अब दोस्तों बात आई है सागर की, तो आज मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सागर के नहीं बताऊंगा। आप वीडियोस को पॉज करें और दोस्तों उसके बाद सागर के इंपोर्टेंट फैक्ट रिवाइज करें, यानी फिर से याद करें जो मैंने पिछले बता चुका हूं। इसके बाद दोस्तों आप जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट याद करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही बेस्ट है। तो आज मैं सागर के आईएमपी फैक्ट नहीं बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां जीएसटी प्रोफेशनल्स की बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इंदौर। इंदौर में जीएसटी प्रोफेशनल्स की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जीएसटी की समस्याएं समझने, उनमें सुधार और सुझाव के लिए देश भर के कर सलाहकार वकीलों की संस्था यानी नेशनल एक्शन कमेटी ऑफ जीएसटी प्रोफेशनल, जिसे हम नैक के नाम से भी जानते हैं, इसकी दूसरी मीटिंग व नेशनल जीएसटी कॉन्क्लेव 3 अगस्त को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों के जानकार और सदस्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 250 से अधिक सदस्य के आने की उम्मीद है इस जीएसटी प्रोफेशनल्स की बैठक में, और जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर यानी मिनी मुंबई में किया जा रहा है। अब दोस्तों बात आई है इंदौर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इंदौर के बारे में बता दें। इसे मिनी मुंबई, इंद्रपुर, अहल्या नगरी और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। चंबल, क्षिप्रा और खान प्रमुख नदियां हैं इंदौर में। दोस्तों एकमात्र शहर जहां आईआईएम 2003 के साथ आईआईटी 2008 में खुली थी। गेहूं अनुसंधान केंद्र और देश का एकमात्र डेंटल कॉलेज यहीं पर स्थित है। रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल आईटी पार्क यहां इंदौर में ही स्थित है। दोस्तों देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यह इंदौर में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य भी इंदौर में ही स्थित है। मांगलिया जो राज्य का पहला ड्राई पोर्ट है यह भी इंदौर में ही स्थित है। तो इतना आपको इंदौर के बारे में याद रखना है। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर बना है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बायजू। हाल ही में बायजू भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर बना है। दोस्तों आपको बता दें ओप्पो ने 5 साल के लिए 1,079 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप ली थी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की, लेकिन डील महंगी होने के कारण 2 साल में ही इसने बायजू को यह स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर कर दी है। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर वेल्स, सहारा, स्टार और उसके बाद ओप्पो, ये 4 ब्रांड थे, लेकिन अब नेक्स्ट से दोस्तों आगे से आपको भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर बायजू स्पॉन्सरशिप मिलेगी देखने के लिए, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। अब दोस्तों बात आई है बायजू की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बायजू के बारे में बता दें। दोस्तों बायजू की जो शुरुआत है वह 2011 में की गई थी। दोस्तों यह एक एजुकेशन और लर्निंग ऐप है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके फाउंडर हैं बायजू रविंद्रनाथन। तो आपको इतना बायजू के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 52। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 52वां स्थान प्राप्त हुआ है 2019 में। दोस्तों आपको बता दें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की स्थिति में 5 अंकों का सुधार हुआ है। भारत इस सूचकांक में 52वें स्थान पर है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि इजराइल पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ है। भारत 2011 के मध्य से और दक्षिण एशिया में नवोन्मेष के मामले में अग्रणी देश रहा है। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 129 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है, जिसके संपदा, मोबाइल एप्लीकेशन, निर्माण, शिक्षा, व्यय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशन इत्यादि में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 52वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी भारत सरकार का नया गृह सचिव बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला। हाल ही में अजय कुमार भल्ला को भारत का सरकार का नया गृह सचिव बनाया गया है। 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के
आईएएस अफसर अजय कुमार भल्ला को केंद्रीय गृह मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ये राजीव गौबा की स्थान लेंगे। दोस्तों अजय भल्ला का कार्यकाल 2 वर्ष का कार्यकाल होगा और ये गृह मंत्रालय में 2021 तक कार्य करेंगे। तो आपको इतना इनकी अजय कुमार भल्ला के बारे में याद रखना है कि ये भारत सरकार के नए गृह सचिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रिलायंस। रिलायंस ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी है। दोस्तों इसकी रैंक है 106वीं, यानी रिलायंस की रैंक है 106वीं। दोस्तों वहीं बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो यह 160वें स्थान पर मौजूद है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो यह 236वें स्थान पर मौजूद है और टाटा मोटर्स यह 265वें स्थान पर मौजूद है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में। दोस्तों अब ये लिस्ट है क्या, आपको इसके बारे में बता दें तो यह एक वार्षिक रैंकिंग करने वाली कंपनी है जो फॉर्च्यून नामक अमेरिकी पत्रिका द्वारा तैयार की जाती है। दोस्तों इसमें विश्व भर की 500 कंपनियां शामिल की जाती हैं। इन कंपनियों को राजस्व के आधार पर शामिल किया जाता है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 500 टॉप 10 लिस्ट की, तो इसमें पहले स्थान पर वॉलमार्ट है जो अमेरिकी कंपनी है। स्नोपेक ग्रुप है जो चाइना की तेल कंपनी है और तीसरी है रॉयल डच शेल जो एक डच कंपनी है। तो ये पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं बात करें भारतीय कंपनी रिलायंस की, तो यह 106वें स्थान पर मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मनोज मुकुंद। हाल ही में मनोज मुकुंद को भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू का स्थान लेंगे। 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे देवराज अंबू और उनकी जगह मनोज मुकुंद नरवाने को सेना प्रमुख पद के दावेदार के लिए चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें भारतीय सेना के बारे में, तो इसका गठन 1776 में किया गया था। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है स्वपूर्व सेवा। तो आपको इतना भारतीय थल सेना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा आयकर दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 159वां, यानी 159वां आयकर दिवस इनकम टैक्स डे मनाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2019 को अपना 159वां आयकर दिवस मनाया है। आयकर दिवस 2019 से पहले के सप्ताह में देशभर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। दोस्तों इसमें विभागीय प्रकाशन, ई जर्नल, पब्लिसिटी किट आदि शामिल किए गए हैं। दोस्तों 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विलियन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था और इसी के बाद अब 2019 में 159वां आयकर दिवस मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य ने एंटीबायोटिक के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश ने एंटीबायोटिक के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। दोस्तों केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मास्टर प्लान जो एंटीबायोटिक के लिए तैयार किया गया है वह लागू किया गया है। दोस्तों इस अवसर पर WHO के अधिकारी और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली के डायरेक्टर भी शामिल किए गए थे। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन डे की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विवि रायसेन जिले में खोली जाएगी? जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों बात करें प्रीवियस डे के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में किस जिले में तिरंगे का जन्मोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तिरंगे का जन्मोत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर वीडियो। तो आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों और लोग भी पढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।
तो आज के लिए बस, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।